हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल गेम शो। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं खड़ा हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के जोमचन बीच के ऊपर, और यहां पर आने की एक खास वजह है कि यार परसों रात को जो पत्या में जो बरसात हुई थी, दैट वॉज अ वेरी वेरी हैवी रेन, आप लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बरसात हुई थी, और पूरे पत्या में बिल्कुल पानी पानी हो गया था। और उस बरसात के बाद यार इस जो पत्या जो सिटी है पत्या सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। और फिलहाल मैं जोमचन बीच के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि यार अभी फिलहाल जोमचन बीच के ऊपर उस बरसात के बाद क्या हाल है यहाँ पर। और मेरी वॉइस के बीच में जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, वो नॉइज़ आ रहा है पानी का, समुद्र का। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय जो सी का लेवल है वो कितना अप है, और पत्या में बरसात के बाद फिलहाल अभी क्या पोजीशन है। तो यार ये है फिलहाल जोमचन बीच का नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं पानी का लेवल, और जिस स्पीड से यहाँ पर आज वेव्स आ रही हैं आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि यार बरसात किस लेवल की रही होगी। और जो ये समुद्र का लेवल है लिटरली काफ़ी अप हो गया। ये जो बीच है यार, अगर आप लोग देखें तो ये काफ़ी आगे तक था, और काफ़ी आगे तक इस बीच पर जा सकते थे, लेकिन फ़िलहाल अगर आप देखें तो पानी एकदम बहुत आगे तक आ गया है, बहुत ऊपर तक आ गया है यहाँ पर। और बीच के इसी हिस्से में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ काम चल रहा है। तो ये है जोमचन बीच का जो एक मेन रोड है, बीच के ऊपर जो रोड है मेन रोड जोमचन रोड, और रोड के बीच में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर मशीन्स हैं यहाँ पर जो इस समय काम कर रही हैं। तो यार परसों रात को जो बरसात हुआ था उसकी वजह से जो जोमचन जो मेन रोड है इसका आधा हिस्सा पानी के अंदर चला गया, पानी के अंदर लिटरली बह गया पूरा, एक बहुत बड़ा यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं एक गड्ढा पड़ गया यहाँ पर। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे जो ट्रीज थे, जो बीच के ऊपर पेड़ थे बड़े बड़े, वो पेड़ भी इसके साथ साथ अंदर समा गए आप लोग कह सकते हैं खड्डे के अंदर, आप लोग अगर देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं और आगे नहीं जा सकता हूँ, यहाँ पर आगे जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो एक काफ़ी बड़ा ये आप लोग कह सकते हैं नुकसान है, और वो बरसात इतनी तेज थी बॉस की, उस बरसात से जो पत्या के अंदर नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा लगाना भी फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। और अभी मैं आ गया हूँ इस रोड के दूसरी साइड पर यार, घूम के पूरा दूसरी साइड पर आया, शायद यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर व्यू मिल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं फिलहाल जो पेड़ पानी के अंदर गिर गए थे, ये उन पेड़ों को निकाल रहे हैं यहाँ से, जो बरसात के पानी से यहाँ पर नुकसान हुआ, जो एक बड़ा जो ये आप पाथवे है, जो एक यहाँ पर जो जोमचन मेन रोड है वो जो टूट कर पानी के अंदर बह गया, तो उसके अंदर से जो पेड़ टूट के गिर गए थे, अभी फिलहाल ये लोग वो पेड़ पानी में से बाहर निकाल रहे हैं यहाँ पर, अगर आप लोग देख पाएँ तो आप लोग देख सकते हैं ये एक पेड़ है जो इन्होंने अभी अभी ये खड्डे से बाहर निकाला, जो खड्डा बारिश के पानी से यहाँ पर पड़ गया है। तो ये था फिलहाल बरसात के बाद पत्या के जोमचन बीच का माहौल, आपने देखा कि यार यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, एक अच्छा खासा जो रोड एक बहुत ही यार ये फेमस रोड है जोमचन का, जो मेन रोड है ये मेन रोड का एक आधा हिस्सा टूट कर पानी के अंदर चला गया, उसके साथ साथ जो पाथवे जहाँ पर लोग यहाँ पर वॉक किया करते हैं वो पाथवे का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा टूट कर पानी के अंदर चला गया, और काफ़ी सारे ट्रीज थे जो टूट कर यहाँ पर पानी में या तो गिर गए या तो पानी के साथ में यहाँ पर बह गए। और उसके अलावा भी यार यहाँ पर पत्या में बहुत सारा नुकसान हुआ है इस रेन से। तो चलिए फिलहाल अपने चलते हैं पत्या के एक और हिस्से में, एक और बीच पर, और आपको दिखाता हूँ कि उस बीच पर इस बरसात का क्या असर हुआ है। और पत्या के जोमचन बीच से अभी मैं आ गया हूँ पत्या के डोंगटान बीच पर, और डोंगटान बीच पे भी यार लगभग जो पोजीशन है वो बिल्कुल जोमचन बीच के जैसी है यार। यहाँ पर भी एक जो बीच है काफ़ी जगह से ब्रेक हो गया, और काफ़ी यहाँ पर भी नुकसान हुआ। तो फिलहाल एक जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर यार एक काफ़ी बड़ा कह सकते हैं एक काइंड ऑफ एक गैप आ गया यहाँ पर बीच के बीच में, और काफ़ी सारे यहाँ पर भी जो पेड़ है वो टूट कर पानी के बीच में गिर गए, जो ये पाथ हुए यहाँ पर बिल्कुल ब्रेक हो चुका था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उस भारी बरसात के बाद, उस हैवी रेन के बाद फिलहाल जो दोंगटान बीच है उसके इस हिस्से की कैसी पोजिशन है और ये किस हाल में है। तो ये है पत्या सिटी का दोंगटान बीच, आप लोग देख सकते हैं, और इस समय जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस जगह पर, अगर आप लोग ये जो हिस्सा है यहाँ का अगर आप लोग देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा यार कि ये जो बरसात है इसने इस पत्या को कितना नुकसान पहुँचाया है। तो एक काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है वो टूट कर यहाँ पर पानी के अंदर गिर गया, और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर फिलहाल काट दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ यहाँ पर टूट कर पानी के अंदर गिर गए इस बीच के इस हिस्से के।
और काफ़ी बड़े बड़े आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो सीमेंटेड पाइप्स हैं वो भी यहाँ पर ब्रेक होकर बीच में पड़े हुए हैं। जो यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम था, जो सीवर सिस्टम था, पूरा का पूरा ब्रेक हो गया इस जगह पर। तो आप लोग जो ये हिस्सा देख रहे हैं बीच का, ये है दोंगतान बीच और पत्या का एक बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। बरसात के बाद फिलहाल आप इस जगह का पोजीशन देख सकते हैं यार, एक अच्छा खासा गैप आ गया है बीच के बीच में। और जो एक ब्यूटीफुल था यहाँ पर पाथवे बना हुआ है, वो पाथवे भी यहाँ पर पूरा ब्रेक हो गया और एक बिल्कुल कह सकते हैं पाथवे में भी गैप पड़ गया है। उसका भी यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम था, बड़े बड़े पाइप से एक अच्छा खासा सीमेंटेड स्ट्रक्चर था, वो सब सब टूट कर पानी के अंदर गिर गया। तो आप लोग यार आइडिया लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नुकसान है ये यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट के लिए और यहाँ पर इन लोगों के लिए जो डेली यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं इस बीच पर। तो चलिए बढ़ते हैं इसी बीच पर थोड़ा सा और आगे और देखते हैं इस बीच पर आगे क्या पोजीशन है। तो ये था दोंगतान बीच का ये हिस्सा जो इस बारिश में पूरी तरह से ब्रेक हुआ है। चलिए बढ़ते हैं इस जगह से थोड़ा सा और आगे। और दोंगतान बीच पर अगर आप लोग बीच का ये वाला हिस्सा देखें तो यहाँ पर जो आप बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर जो बीच है वो लगभग फिनिश हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर तो यार काफ़ी सारा आप लोग देख सकते हैं बीच में बहुत सारा गैप आ गया और रेत जो है ऑलमोस्ट बहकर पानी के अंदर जा चुकी है अगर आप लोग देखें यहाँ पर। एक बार फिर से जो पत्या में ये भारी बरसात हुई है, इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है आई थिंक वो इन पत्या के बीचेस को ही हुआ है। अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ जितने भी बीच है उन सबकी जो पोजीशन है वो इसी तरह से है इस समय पत्या के अंदर। ये जो बीच है दोंगतान बीच पत्या का जो सबसे ब्यूटीफुल बीच आप लोग कह सकते हैं उस बीच में से एक है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग शाम को अच्छा टाइम स्पेंड किया करते हैं, इसी बीच पर बैठा करते हैं, इसी बीच पर घूमा करते हैं। लेकिन अभी आप लोग फिलहाल जो यहाँ की पोजीशन आप लोग देख सकते हैं। और पत्या के दोंगतान बीच से मैं अभी आगे आ गया हूँ पत्या के बलीहाई बीच पे। और यहाँ पर अगर आप लोग ये एरिया देख रहे हैं, बलीहाई का एक बहुत ही फेमस एरिया है ये, और ये वही जगह है जहाँ पर पत्या सिटी का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो वो जो बोर्ड है यार वो एक हिल के ऊपर एक पहाड़ के ऊपर लगा हुआ है, अगर आप लोगों को अच्छे से याद ही होगा तो बिल्कुल उसी बोर्ड के पास में पहाड़ के ऊपर से काफ़ी सारा आप लोग कह सकते हैं कि जो ट्रीज़ है वो टूट कर नीचे गिर पड़े हैं और एक कह सकते हैं इट्स अ स्मॉल काइंड ऑफ एक लैंडस्लाइड हो गया इस बरसात में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पत्या सिटी के हिल का वो छोटा सा एरिया जहाँ पर एक छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ इस बरसात में। तो ये है पत्या सिटी का बलीहाई, और बलीहाई में अगर आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पर हिल के ऊपर तो आपको पत्या सिटी का यहाँ पर बोर्ड दिख रहा होगा। और बिल्कुल इसी बोर्ड के साथ में अगर आप लोग देखें इस पहाड़ के ऊपर तो आपको ये जगह पर एक बिल्कुल यहाँ पर गैप बन गया है बीच में। तो इस पहाड़ का आप लोग ये हिस्सा देख सकते हैं। तो इस भारी बरसात में जो ये पहाड़ का जो ये हिस्सा है यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ट्रीज थे, जो पेड़ थे, वो सब टूट कर गिर पड़े और पानी ने इस जगह से अपना रास्ता बना लिया। और हम लोग कह सकते हैं कि यार काफ़ी लकी है क्योंकि इसके बिल्कुल साथ में अगर आप राइट साइड पर देखें, फिलहाल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ आपको पेड़ ही दिख रहे होंगे, इसके पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट है पत्या सिटी का बोर्ड। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग लकी हैं यार कि जो पत्या सिटी का जो बोर्ड है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल उसके साथ में से ही पानी ने अपना रास्ता बनाया। और आप लोग देख सकते हैं कि कितने स्पीड में पानी रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पर पूरे ट्रीज थे जिसको पूरा पानी ने खाली कर दिया यहाँ पर। तो मेरे पीछे आप लोग पहाड़ का ये हिस्सा देख सकते हैं और पानी ने इस हिस्से को पूरी तरह से एकदम कह सकते हैं कि यार खाली कर दिया। जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे ट्रीज थे, पेड़ थे, वो सब के सब पानी के साथ यहाँ पर नीचे आ गए। और देखने में ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के ऊपर एक मैदान बन गया है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जो दो दिन पहले रात की जो यहाँ पर बरसात थी पत्या की वो कितनी हैवी रही होगी, कितनी भयंकर आप लोग कह सकते हैं कि भयंकर रही होगी, राइट। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे और आपको लेके चलता हूँ पत्या के पत्या बीच के ऊपर और दिखाता हूँ भी फिलहाल जो पत्या बीच है उसका इस बरसात के बाद फिलहाल माहौल कैसा है, वहाँ की क्या पोजिशन है। और पत्या के बलीहाई से भी मैं आ गया हूँ पत्या बीच के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं फिलहाल मैं खड़ा हूँ पत्या बीच पर और आप लोग बीच की जो पोजिशन आपके सामने है बिल्कुल, और आप लोग बीच की हालत देख सकते हैं कि यार ये जो बीच है इस बार इस बरसात के अंदर काफ़ी आप लोग कह सकते हैं काफ़ी बड़ा हिस्सा जो बीच का है वो जो रेत है ये बिल्कुल पानी के अंदर जा चुकी है। और अच्छी खासी आप लोग कह सकते हैं कि यार एक ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सूखी हुई नदी है जिसके बीच में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इतना बड़ा यहाँ पर गैप आ गया इस बरसात के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं ये है पत्या बीच का फिलहाल अभी जो पोजिशन है आपके सामने, और मैं एग्जैक्ट वहीं पर ही खड़ा हूँ पत्या बीच पर, जो एक बहुत ही फेमस हिस्सा है पत्या बीच का ये, जहाँ पर यहाँ के जो थाई किंग है उनका एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर पिक्चर लगा हुआ है, बिल्कुल ये वही जगह है।
और फिलहाल आप लोग देख सकते हैं इस बीच की हालत। तो काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है बीच का वो इस बरसात में बह गया है यहाँ पर। तो ये वो चीज़ें थी जो बरसात के लगभग 36 घंटे के बाद भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें इसको वापस एज इट इज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। लेकिन अगर आप पतिया सिटी की बात करें तो यार लोगों का काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। कई लोगों की दुकानों में पूरा पानी भर गया, घरों में पानी भर गया, लोगों की बाइक्स थी वो भी पानी में आप कह सकते हैं लिटरली डूब गई, और कईयों की तो यार बह के काफ़ी दूर तक भी चली गई थी। तो बस यही थी कुछ जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि वो भारी बरसात के बाद जो एक छोटा सा आप लोग कह सकते हैं फ्लड था, उसके बाद पतिया की क्या पोजीशन है, और फिलहाल जो पतिया के बीचेस हैं उसकी आपने हालत देख ही ली। और इसके साथ साथ मुझे एक छोटा सा करेक्शन भी करना था। आज से दो दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, एक ब्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने आपको एक बार दिखाया था जो लगभग 43 ईयर ओल्ड 1978 से बीच रोड के ऊपर है वो बार, और मैंने उसका जो नाम बताया था वो आपको बताया था TG बार, लेकिन एक्चुअली जो वो बार है वो है TQ। तो यार थोड़ा सा पढ़ने में मेरे से मिस्टेक हो गया, बिकॉज वो जो क्यू था वो लिटरली मेरे को जी की तरह दिख रहा था। तो मेरे भाई का एक आज मेरे पास मैसेज था, उन्होंने मुझे बोला बाबा भाई आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, वो TG नहीं था, वो TQ था। तो मैंने वहाँ पर जाकर चेक किया तो सही में वो TQ था, और उसका जो फुल फॉर्म है वो है थाई क्वीन बार, राइट, तो वो है TQ बार। तो यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि मेरे से ये मिस्टेक हो गया, और थैंक्स टू माई ब्रदर जिसने मेरे को ये करेक्शन किया, जिसने मुझे बताया कि बाबा भाई आप यहाँ पर गलत थे। तो प्लीज़ आप लोग को भी कभी ऐसा लगता है कि यार मैंने कोई चीज़ गलत आपके साथ शेयर करी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग मैसेज करके मुझे आप बता सकते हैं। तो बस इतना ही था आज के लिए, और आई होप जो भी जानकारी आज मैंने आपके साथ शेयर करी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगी हुई घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगी कुछ नया आ गया है। और अगर अभी भी आप पतिया के बारे में मेरे से कुछ भी जानना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके साथ बात करूंगा और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो इतना ही था आज के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।